हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कॉर्डिसेप्स मसल स्ट्रेन के बारे में कि ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कॉर्डिसेप्स मसल स्ट्रेन है क्या। कॉर्डिसेप्स मसल हमारे थाई का ऊपरी भाग होता है। कॉर्डिसेप्स मसल के ओवर स्ट्रेच या कॉर्डिसेप्स मसल के टूट जाने पर उसको कॉर्डिसेप्स मसल स्ट्रेन या कॉर्डिसेप्स मसल में खिंचाव कहा जाता है। कॉर्डिसेप्स मसल चार मेन मसल से मिलकर बना है, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टिस लेटेरियल्स, वेस्टिस मेडियल्स एंड वेस्टिस इंटरमीडियल्स। ये चारों मसल थाई के फ्रंट साइड में होते हैं। इसमें रेक्टस फेमोरी एक ऐसा कॉर्डिसेप्स मसल है जो दो जॉइंट्स को आपस में जोड़े रखता है, हिप और नी को, और ये मसल बहुत ज्यादा नाजुक होता है जिस वजह से इसमें स्ट्रेन बहुत जल्दी हो जाता है। इन मसल्स में स्ट्रेन मोस्टली स्प्रिंटिंग, जंपिंग और किकिंग के वजह से होता है। ज्यादातर स्ट्रेन मसल में ओवरलोड के वजह से भी होता है, या फिर जब मसल को बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि फुटबॉल में फोर्सफुली किक करते हैं तब भी ये मसल स्ट्रेन हो जाता है। इन मसल स्ट्रेन को तीन ग्रेडों में बांटा गया है, ग्रेड 1 माइल्ड स्ट्रेन, ग्रेड 2 मॉडरेट स्ट्रेन या ग्रेड 3 सवियर या कम्प्लीटली टीयर भी कहा जाता है। ये स्ट्रेन लगभग हर एक स्पोर्ट्स फील्ड में कॉमन है, स्पेशली फुटबॉल में, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को सडन चेंज करना होता है। ये स्ट्रेन सामान्यतः स्ट्रेचिंग या मसल के टूटने से या टेंडन के वजह से होता है। कॉर्डिसेप मसल में स्ट्रेन तब ज्यादा महसूस होता है जब मसल पूरी तरीके से टूट चुकी हो या उसमें दरार आ रहा हो। माइक्रो टीयर और स्ट्रेचिंग प्लेयर ज्यादातर नोटिस नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि कॉर्डिसेप्स इंजरी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के हो सकते हैं। ग्रेड 1 इंजरी में मसल स्ट्रेच हो जाता है या फिर माइक्रो टीयर हो जाती हैं। इसमें हल्का सा दर्द थाई के फ्रंट साइड में बना रहता है, पर आप फिर भी वॉक या जॉग कर सकते हैं। इस स्ट्रेन में सॉइलिंग नहीं होता है, परंतु जब आप स्प्रिंटिंग, किकिंग या डायरेक्शन को क्विकली चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, पर प्लेयर अपने गेम को फिनिश जरूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रेड 2 इंजरी की। ग्रेड 2 इंजरी में मसल पार्शियली टियर हो जाता है, जिस कारण प्लेयर गेम के टाइम या ट्रेनिंग के टाइम अपने थाइस के फ्रंट साइड में शार्प पुल या फिर क्रैम का महसूस करते हैं। ग्रेड 2 के पेन में प्रॉपरली वॉक करना और स्प्रिंटिंग और किकिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। पेन इतना ज्यादा होता है कि आपको अपने नीज को भी बेंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे ग्रेड 3 इंजरी की। इसमें मसल पूरी तरीके से टूट जाता है। इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से प्लेयर को अपने गेम को छोड़ना ही पड़ सकता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि बिना बैसाखी के या बिना किसी सपोर्ट के चलना ही मुश्किल हो जाता है। दर्द के वजह से थाइस के फ्रंट साइड में सॉइलिंग भी होने लगती है। कॉर्डिसेप्स मसल का कम्प्लीटली टियर कोई कॉमन बात नहीं है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है राइस ट्रीटमेंट, जिसमें आर मीन्स रेस्ट, आई मीन्स आइस, सी मीन्स कंप्रेशन एंड ई मीन्स एलिवेशन। इसके साथ ही साथ आप नॉर्मली स्ट्रेचिंग भी करते रहें। अगर इससे आपका दर्द ठीक ना हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत से ऐसे टेक्निक बताएंगे जिसके द्वारा आप ट्रेनिंग या अपने गेम में जल्दी से जा सकते हैं। इन टेक्निक्स में जैसे कंप्रेशन, कोल्ड हीटर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्यूपंचर, मसाज, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इंक्लूड है। एसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेंथनिंग है जिसके वजह से आपकी इंजरी दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेग स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें।